नमस्कार, मैं आशीष पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं शिक्षक प्लस में। नवोदय विद्यालय में आपकी नॉन टीचिंग के बम्पर भर्ती आई हैं। अब यहां पर किन किन पदों पे भर्ती आई हैं, कौन कौन से लोग फॉर्म भर सकते हैं, ये पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको बताऊंगा। इन्फॉर्मेशन बताने से पहले आप सभी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जितनी भी टीचिंग से रिलेटेड आपको अपडेट चाहिए तो आप शिक्षक प्लस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर टीचिंग से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन समय समय पर मिलती रहे। तो नवोदय विद्यालय में आपकी नॉन टीचिंग पोस्ट आई है, और कुछ अभी हो सकता है आज या कुछ समय बाद आपको टीचिंग पोस्ट भी इसके देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर पहला जो पोस्ट है आप देख रहे हो, टोटल आपका यहाँ बोला गया है 650 नवोदय विद्यालय हैं। अब इनमें से आपके फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी की एक पोस्ट आई है, जिसमें टोटल 121 पद हैं। टोटल कितने हैं? 121 पद हैं। पूरा मैं डिटेल बता दे रहा हूँ, बाकी एक एक करके मैं अलग से आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि किसकी क्या एलिजिबिलिटी है। इसमें अभी फीमेल स्टाफ नर्स का 121 पद है। उसी तरह आप आओगे, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, ग्रुप बी का पोस्ट है ये भी, इसमें टोटल 5 पोस्ट है। उसके बाद से ऑडिट असिस्टेंट का है, इसमें सब एक्सपीरियंस चाहिए, तो 12 पोस्ट है। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का है, इसका भी 4 पद है। और लीगल असिस्टेंट का 1 पद है। स्टेनोग्राफर का आपका 23 पद है, जो स्टेनो वाले बच्चे हैं उनके लिए एक अच्छा है, 23 पद है, उतना खास तो नहीं, लेकिन स्टेनो के लिए आपका 1 पद ही तो आपको लेना है सिलेक्शन में। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए 2 पद है, इसके भी कम पद आए हैं, लेकिन जिनके पद आए हैं उनको देख लीजिए। जैसे कैटरिंग सुपरवाइजर के 78 पद हैं। जूनियर सेक्रेटरेट असिस्टेंट JSA, जो एक क्लर्क बोल सकते हो आप, उस क्लर्क के पोस्ट आप कह सकते हो, 2 जगह इसके पद आते हैं। एक आता है हेडक्वार्टर में, है ना, हेडक्वार्टर में आता है, उसमें जो पदों की संख्या होती है वो कम होता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी पोस्टिंग जो होती है वो हेडक्वार्टर पे होती है। तो यहाँ 21 पद है। और एक होता है कि नवोदय विद्यालय में जो पोस्टिंग होती है वो आपके JNV कैडर बोला जाता है, उसमें आपके पदों की संख्या 360 है। तो 360 पद आपके बहुत अच्छे खासे पद होते हैं। ऐसे ही अभी पिछले EMRS में, चाहे आप KVS में, इतने ही पद आते हैं इसके। तो ये भी एक ठीक ठाक पद है आपका, इसके एलिजिबिलिटी आप जान लीजिएगा कि बस 10+2 आपसे मांगता है, कोई ग्रेजुएशन नहीं मांगता है। टाइपिंग आपको इंग्लिश या हिंदी दोनों में से आनी, कोई भी एक आ रही है तो आप कर सकते हैं इसको, ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर में 128 पद हैं। लैब अटेंडेंट के 161 पद हैं, ठीक ठाक इसके भी पद हैं आपके लैब अटेंडेंट के, इसमें भी 10+2 ही मांगता है, साइंस ग्रुप से हैं। मेस हेल्पर के ठीक ठाक आपके अच्छे पद हैं, 442 पद हैं मेस हेल्पर के, ठीक है। मल्टी MTS के आपके 19 पद हैं, बहुत ज़्यादा पद इसके नहीं है, मेस हेल्पर के ज़्यादा पद है, क्योंकि मेस हेल्पर इसलिए चाहिए होता है कि आपका जो ये वैकेंसी है ये कहीं ना कहीं JNV जो होता है वो आवासीय विद्यालय होता है, बच्चे रहते हैं तो उनके खाना बनाने ये सब चीज़ों के लिए मेस हेल्पर हमेशा ज़रूरत होता है, तो इसलिए इसकी ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। अगर हम बात करते हैं अब इनमें एक एक की एलिजिबिलिटी की बात करें, तो यहाँ पर आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं कि क्या क्या एलिजिबिलिटी है। जैसे फीमेल स्टाफ नर्स, पहला जो पद था उसका अब 35 वर्ष तक चाहिए, मैक्सिमम एज 35। इसमें BSc नर्सिंग आपका होना चाहिए, या आप कोई रेगुलर कोर्स BSc नर्सिंग किसी यूनिवर्सिटी से किए हैं, या ऑनर्स आपका नर्सिंग से है, या आप पोस्ट बेसिक्स नर्स BSc नर्सिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट में है। दूसरा आपका क्या होना चाहिए कि रजिस्टर एज ए नर्स और नर्स मिडवाइफ विद एनी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। 2.5 ईयर एक्सपीरियंस इन मिनिमम 50 बेड के हॉस्पिटल में कम से कम आपका एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस वाले पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद से यहाँ पर क्या बोला है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए क्या होना चाहिए, आपकी एज 23 से लेकर 33 साल होना चाहिए, जनरल है। बाकी जो SC ST और OBC है, OBC को सेंट्रल में 3 साल का, SC ST को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलता है, तो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। इसके लिए आपको बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी एडमिनिस्ट्रेटिव या फाइनेंशियल मैटर में, सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में आप काम किए हों इस एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप का, तब आप भर सकते हैं। ऑडिट असिस्टेंट में 18 से 30 साल की आपकी एज होनी चाहिए, BCom इसमें जरूरी है, और यहाँ पर ऑडिट असिस्टेंट वालों के लिए BCom बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन ये मौका है। और यहाँ पर बोला है कि
क्वालिफिकेशन तो ये है, डिजरायबल क्या है, 3 साल एक्सपीरियंस अकाउंट वर्क इन गवर्नमेंट एन ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ये आपका होना चाहिए। ठीक, अब ये आप जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, इसमें आपका एज जो है मैक्सिमम 32 साल है, ठीक है, मैक्सिमम। इसमें मास्टर डिग्री आपका यूनिवर्सिटी से इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा कि मास्टर डिग्री किसी में भी अगर आपका हिंदी है विद इंग्लिश एज ए क्या है आपका रिलेटिव सब्जेक्ट और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, अगर आपकी डिग्री लेवल पर आपका मीडियम आपका क्या है ये है, ठीक है, हिंदी आपका जैसे मास्टर डिग्री हिंदी में है और इंग्लिश एज ए आपका कोई इलेक्टिव सब्जेक्ट या आपका मीडियम रहा है तो आप भर सकते हो, या डिग्री आपकी मास्टर डिग्री इंग्लिश में है और हिंदी एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, या तो आपका कंपल्सरी रहा हो या इलेक्टिव रहा हो और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहा हो एट द डिग्री लेवल पर। डिग्री लेवल मतलब ग्रेजुएट लेवल पे, समझ रहे हैं, डिग्री लेवल पर मतलब मास्टर आपने हिंदी से किया लेकिन इंग्लिश आपका कोई कंपल्सरी सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो डिग्री लेवल पे तब आप अप्लाई कर सकते हो, या आपकी मास्टर की डिग्री इंग्लिश में है और हिंदी सब्जेक्ट रहा है आपकी डिग्री में बैचलर में एज ए इलेक्टिव या कंपल्सरी तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मास्टर डिग्री यूनिवर्सिटी इन एनी सब्जेक्ट अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एज इन द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल। इसमें क्या बोला है कि अगर मास्टर डिग्री आपका किसी भी सब्जेक्ट से है चाहे वो अदर देन हिंदी और इंग्लिश है, इनसे अगर अलग का है विद हिंदी मीडियम, अगर हिंदी मीडियम के हैं एंड इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, अगर आप हिंदी मीडियम के हैं किसी और सब्जेक्ट से मास्टर डिग्री किए हैं और आपके डिग्री में क्या इंग्लिश कोई कंपल्सरी सब्जेक्ट या इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा है तभी भी आप भर सकते हैं। थोड़ा पेचीदा है समझना, ध्यान से देखिएगा, मतलब मास्टर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से आप किए हो और आपका मीडियम जो है मास्टर का वो हिंदी रहा है तो आपके ग्रेजुएशन में इंग्लिश एज ए इलेक्टिव या कंपल्सरी सब्जेक्ट रहा है तब भर सकते हो। दूसरा बोला है कि अगर आपने मास्टर डिग्री किसी और सब्जेक्ट से किया है, ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा, अदर देन इंग्लिश हिंदी एंड विद हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और आइदर ऑफ द टू एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड अदर एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट ए डिग्री लेवल। बोला कि अगर आपका यहां पे तो समझ गया ना कि आपका इंग्लिश मीडियम से है तो हिंदी आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए, यहां पे बोल दिया कि इंग्लिश एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए, अगर मास्टर किसी और सब्जेक्ट से है और इंग्लिश मीडियम है तो हिंदी आपका कोई इलेक्टिव या कंपल्सरी सब्जेक्ट होना चाहिए। उसके बाद और क्या बोला है कि मास्टर डिग्री आपका रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से किसी भी सब्जेक्ट में अदर देन हिंदी और इंग्लिश विद हिंदी एंड इंग्लिश एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और आइदर ऑफ द टू एज ए मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ अदर एज ए कंपल्सरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट ए डिग्री लेवल तभी भी आप भर सकते हो, है ना। ये हिंदी या इंग्लिश में से आपका कोई मतलब इलेक्टिव या कंपल्सरी सब्जेक्ट रहा हो और आपका मीडियम इनमें से कोई एक रहा हो तभी भी आप डिग्री लेवल पे भर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। लीगल असिस्टेंट में क्या है, ठीक है, लीगल असिस्टेंट में और दूसरा नंबर पे उस पर क्या चाहिए कि आपको डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स ट्रांसलेशन का हिंदी और इंग्लिश में वाइस वर्सा फॉर 2 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसलेशन वर्क ऑफ हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा, मतलब हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी का एक्सपीरियंस और इसका सर्टिफिकेट आपका हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी का, ये भी आपका यहाँ पर लगेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये सर्टिफिकेट रहेगा तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हो और एक्सपीरियंस रहेगा तो। अब उसके बाद आता है लीगल असिस्टेंट का, ये लेवल 6 का है, 23 से 35 साल का आपका एज चाहिए इसमें, इसमें लॉ की डिग्री चाहिए और आपका 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए हैंडलिंग लीगल केस इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या किसी ऑटोनोमस बॉडी में, ठीक है, आपने अगर कोई केस मतलब वो किया है तो वो चीज़ें चाहिए, बाकी जो ये आपका क्या है आत्मानी अहारता है कि कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश हिंदी की थोड़ी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर 18 से 27 साल का एज है, 12th पास आपके पास होना हो और स्किल टेस्ट, इसमें कोई सर्टिफिकेट नहीं लगेगा, स्किल टेस्ट में आपका जो स्टेनो है आपका क्या है 80 वर्ड पर मिनट, 10 मिनट में आपके 80 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन होगा और इसका मतलब फिर से उसको जब ट्रांसलेट करोगे आपका स्टेनो का वो आपका 50 इंग्लिश और 65 हिंदी ऑन ए कंप्यूटर क्या चाहिए इसकी स्पीड चाहिए,
ठीक है। इसमें जो आपका दिया गया है 50 मिनट्स, ये आपको वर्ड पर मिनट, और ये 50 मिनट आपको इंग्लिश के लिए मिलेगा, 65 मिनट आपको हिंदी के लिए मिलेगा। जो आप ट्रांसलेशन करोगे तो वो इंग्लिश और हिंदी स्टेनोग्राफर का है, वो डिपेंड करता है कि उसके अलग अलग टाइमिंग दी गई है। कंप्यूटर ऑपरेटर में 18 से 30 साल का आपका एज मांगा गया है, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें आपके दो ही पोस्ट हैं, BCA और BSc कंप्यूटर साइंस या IT वाले अप्लाई कर सकते हैं, BTEC, CS और IT ही अप्लाई कर सकता है, इसके अलावा कंप्यूटर ऑपरेटर में कोई नहीं अप्लाई कर सकता है। कैटरिंग सुपरवाइजर 35 साल तक मैक्सिमम एज है, बाकी रिलैक्सेशन तो आपको मिलेगा। बैचलर डिग्री होटल मैनेजमेंट में आपने किया है, एन इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट से, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। या ट्रेड प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट इन कैटरिंग विद अ मिनिमम 10 ईयर सर्विस इन डिफेंस सर्विस ऑफ रेगुलर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन ओनली, तो वो आप कर सकते हैं अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है। तो जूनियर JSA के लिए आपको क्या करना है, JSA के लिए ध्यान दीजिए, जो बच्चे JSA का फॉर्म भरना चाहते हैं उनके लिए क्या एज चाहिए, लेवल 2 का जॉब है, 18 से 27 साल आपकी एज होनी चाहिए। इसमें आपका सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट मतलब क्लास 12th आपका पास होना चाहिए, साथ ही साथ आपको 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश टाइपराइटिंग और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी टाइपराइटिंग, मतलब या तो इंग्लिश या तो हिंदी आपको टाइपिंग आना है, दोनों नहीं आना है, दोनों में से कोई एक टाइपिंग आती है। आप 10+2 पास हो और CBSE या स्टेट बोर्ड से विद सेक्रेटरीट प्रैक्टिसेस एट ऑफिस मैनेजमेंट एज ए वोकेशनल सब्जेक्ट आपने किया है, तभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें मेन वही है आपका, यहां देखो, नॉलेज ऑफ ए कंप्यूटर ऑपरेशन डेटा एंट्री एक्वायर्ड आइदर एज ए सब्जेक्ट ऑफ प्लस टू लेवल और दो 6 मंथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन और थ्रू कंप्यूटर लिटरेसी सर्टिफिकेट एट स्कूल लेवल, मतलब एक आपको आदिमानी आहारता एक तरह पे, अगर आपके पास सर्टिफिकेट वकेट है कंप्यूटर का तो आपको प्रिफरेंस दिया जाएगा, ये बोला गया है, एसेंशियल नहीं है। एक्सपीरियंस इन अकाउंट एडमिनिस्ट्रेशन मेटर इन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट या ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन में आपने अगर कोई कार्य किया है तभी भी आपको प्रिफरेंस दिया जाएगा, बस ये बोला गया है। उसके बाद से जूनियर सेक्रेटरी JNV कैडर में आपकी आहारता जो है सेम है, हेडक्वार्टर में जाओ चाहे आप JNV में जाओ, ठीक है, दोनों के लिए जो एलिजिबिलिटी है एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आप 10+2 पास होना चाहिए, आपको टाइपिंग में या इंग्लिश या हिंदी की टाइपिंग आनी चाहिए। इंग्लिश की टाइपिंग आती है तो 30 वर्ड पर मिनट, हिंदी की टाइपिंग आती है तो 25 वर्ड पर मिनट, और हिंदी की टाइपिंग आपकी मंगल इंस्क्रिप्ट पे होगी, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए अब यहां पर हम आते हैं, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर में 18 से 40 साल का एज चाहिए, 10वीं पास होना चाहिए और ITI आपका ट्रेड है किसमें, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन में, और 2 साल का एक्सपीरियंस है आपका वायरिंग और प्लम्बिंग में, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद से लैब अटेंडेंट में 18 से 30 साल का एज चाहिए, इसमें 10th पास के साथ अगर लेबोरेटरी टेक्निक में आपका डिप्लोमा है तो आपका चलेगा, 10th पास हो या डिप्लोमा हो, आपका किसमें डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक, सर्टिफिकेट बोला है ना, सर्टिफिकेट होना चाहिए 10th के साथ आपका लेबोरेटरी में टेक्निक में, नहीं है तो आप क्लास 12th साइंस स्ट्रीम से पास हैं तो आप भर सकते हैं। 10th जो बच्चा है उसके लिए आपका एक लैब से रिलेटेड सर्टिफिकेट होना जरूरी है, नहीं तो आप 12th में आप साइंस स्ट्रीम से तो भर सकते हैं। मैस हेल्पर के कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, 18 से 30 साल की एज इसमें मांगी है, इसमें भी 10वीं पास वाले बच्चे है ना, और 5 साल का एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ए गवर्नमेंट रेसिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन मैस स्कूल मैस एंड, मतलब आपका किसी भी गवर्नमेंट रेसिडेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब कोई गवर्नमेंट संस्था में आप 5 साल तक क्या हो रहे हो, वर्किंग किए हो मैस में, ठीक है, गवर्नमेंट की कोई संस्था है जिसमें आप मेस में वर्क किए हैं 5 साल, या किसी स्कूल गवर्नमेंट का उसमें आपने किया है, ठीक है, तो आप यहां पे फॉर्म भर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। पासिंग ऑफ स्किल टेस्ट प्रिस्क्राइब बाय NVS के द्वारा इसमें एक स्किल टेस्ट किया जाता है। क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दिया, इसकी 10th बेसिस पे है, बाकी एज रिलैक्सेशन 5 और 3 साल तो आपको मिलता ही है, ये चीजें आप ध्यान दीजिए। अब आते हैं हम थोड़ा सा आपका कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा, क्या क्या
पूछता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं कि देखिए दो तीन चीजें तो आपकी कॉमन है। रीजनिंग क्वेश्चन आपका पूछेगा ही पूछेगा, मैथ्स आपका आएगा, जीएस आपका आएगा, इंग्लिश हिंदी आपका आएगा ही आएगा, किसी किसी पोस्ट में आपका कंप्यूटर आता है, किसी किसी में आपके सब्जेक्ट नॉलेज आएंगे। जैसे आपका यहां पर बोला स्टाफ नर्स, यहां रीजनिंग 15 क्वेश्चन, जीएस के 15 क्वेश्चन और इंग्लिश हिंदी के आपके 10-10 क्वेश्चन आपके आएंगे, आपके ये इतने बाकी आपका सब्जेक्ट नॉलेज 70 आएगा, 120 होगा। असिस्टेंट वाले में आप देख लो रीजनिंग, क्वांट, जीएस आपका आएगा, बेसिक आपका नॉलेज ऑफ कंप्यूटर और जीएस मिला के आपके 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, कंप्यूटर तो आ ही रहा है, बाकी ये सब्जेक्ट नॉलेज जो है वो 50 क्वेश्चन आएंगे। ऑडिट असिस्टेंट वालों को रीजनिंग क्वांट आएगा और इंग्लिश हिंदी आपके 30 क्वेश्चन आएगा और कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आएंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के, तो इसमें भी ट्रांसलेशन के क्वेश्चन आते हैं, ट्रांसलेशन इंग्लिश टू हिंदी 25 क्वेश्चन, हिंदी टू इंग्लिश 25 क्वेश्चन, रीजनिंग, फिर जीएस, फिर आपका सब्जेक्ट नॉलेज 20 नंबर का आता है, हिंदी या इंग्लिश का आपका आएगा, हिंदी जो भी आप जैसा होगा वही आपसे पूछा जाएगा। फिर लीगल असिस्टेंट में आपके 15 क्वेश्चन इसके रीजनिंग के, 15 जीएस के, 15 आपके लैंग्वेज के हो गए और 20 आपके मैथ्स हो गया, बाकी आपका सब्जेक्ट नॉलेज आता है 70 क्वेश्चन, तो 150 का होता है लीगल असिस्टेंट। स्टेनोग्राफर में आपका जनरल होता है, इसमें आपका कंप्यूटर नॉलेज 30 क्वेश्चन होता है, जीएस आपका 30 होता है, आपका जो लैंग्वेज होता है इसमें आपका मैथ्स नहीं होता है, क्वांट नहीं होता है, जनरल इंग्लिश जनरल हिंदी मिला के 20-20 क्वेश्चन आपके 40 मार्क्स के लैंग्वेज के पोर्शन होते हैं, तो टोटल 100 क्वेश्चन होता है, 100 मार्क्स का होता है और 2 घंटे का ये ड्यूरेशन होता है इसका। बाक्स के बाद सेकेंड स्टेज जो होता है इसका स्टेनो टेस्ट होता है, उसके बाद आप जाओगे तो कंप्यूटर ऑपरेटर में, तो यहाँ रीजनिंग 20 क्वेश्चन, क्वांट 20 क्वेश्चन और आपका लैंग्वेज 30 क्वेश्चन, 15 इंग्लिश 15 हिंदी आपके 30 नंबर का होता है और नॉलेज कंप्यूटर का 60 का होता है, टोटल 130 क्वेश्चन इसमें होते हैं, 2.5 घंटा का ये पेपर होता है। उसके बाद से कैटरिंग सुपरवाइजर में रीजनिंग, तो आपका रीजनिंग जीएस और लैंग्वेज मैक्सिमम में है, ये आप देखो सब में है, बाकी कंप्यूटर नॉलेज यहाँ 10 नंबर और आपका जो डोमेन है जो प्रोफेशन है उसके 60 क्वेश्चन आपके होते हैं। अब आते हैं हम लोग मेन जीएसए के बारे में बात करते हैं, जिसके सबसे ज्यादा पद है जीएसए में, आपका जो केवीएस जीएसए, ईएमआरएस जीएसए सेम है आपका सिलेबस, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन, क्वांट के 20 क्वेश्चन, आपके मैथ्स के 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर मिला के 30 क्वेश्चन अच्छा खासा वेटेज रखता है और आपके लैंग्वेज का 15 इंग्लिश 15 हिंदी मिला के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का, कंप्यूटर के भी 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, टोटल 130 क्वेश्चन होंगे 130 मार्क्स के होंगे। ये पहला स्टेज होगा, इसको क्वालिफाई करने के बाद आप दूसरे स्टेज पे जाओगे, यहाँ पे आपका स्किल टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट होगा, टाइपिंग टेस्ट के बाद आपके इसी के बेसिस पर मेरिट बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वालिफाइंग होता है। ये जेएनवी कैडर सेम है आपका पूरा का पूरा, उसमें कोई अंतर नहीं है। इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर में जाओगे तो रीजनिंग पूछेगा, जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज आपका 30 क्वेश्चन 15-15 पूछेगा ही और आपका स्पेसिफिक नॉलेज 60 क्वेश्चन पूछेगा। लैब अटेंडेंट में आओगे तो रीजनिंग 15 क्वेश्चन, यही ईएमआरएस का भी है, जनरल अवेयरनेस का 15 क्वेश्चन, लैंग्वेज आपका इंग्लिश एंड हिंदी 15-15 30 क्वेश्चन आपके आएंगे। सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज मतलब लैब मतलब क्लास 12th की साइंस लेवल तक, क्लास 12th लेवल की नहीं, क्लास 10th लेवल तक इसमें साइंस पूछी जाती है और 60 क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है, ठीक है, क्लास 9 10th की साइंस होती है, 60 क्वेश्चन आपका होता है। उसके बाद से आपका अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये आपका मेस हेल्पर है, इसमें 15 रीजनिंग 15 जीएस और 20 क्वेश्चन 10 इंग्लिश 10 हिंदी के आपके लैंग्वेज के क्वेश्चन होते हैं और सब्जेक्ट में आपका ये पार्ट जो देख रहे हो एकदम छोटा मोटा है, फूड क्या होता है, न्यूट्रिशन क्या होता है, हाइजीन क्या होता है, इंडियन फूड्स क्या क्या होते हैं, तो जो आप कार्य करते हैं उससे 70 क्वेश्चन होता है, तो टोटल 120 क्वेश्चन इसके भी आपके बनते हैं और एमटीएस के आपके 40 क्वेश्चन लैंग्वेज के बनते हैं और जनरल अवेयरनेस और करेंट अफेयर के 20 क्वेश्चन बनते हैं और बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के 40 क्वेश्चन बनते हैं। तो एमटीएस की पद तो बहुत कम है लेकिन जब से ज़्यादा पद आपके मेस हेल्पर के हैं, तो अगर आप लोग सर्टिफिकेट आपके पास हो या आप किसी में गवर्नमेंट में रेजिडेंशियल में काम कर रहे हैं किसी जगह पे, तो आप अपना सर्टिफिकेट बनवा लीजिए तो अच्छा खासा चांस हो जाएगा कि आप जेएनबी में मेस हेल्पर बन जाए। बाकी जिनकी टाइपिंग और स्टेनो अच्छी है तो वो जेएसए और स्टेनो के लिए भर सकते हैं इस फॉर्म को। बाकी जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं कि आपके पास देखिए यहीं पर एक एक साथ दो तैयारी आप कर सकते हो, अभी कुछ ही हो सकता है कि ईएमआरएस का भी आ जाए नेक्स्ट सेकेंड स्टेज,
इनका ईएमआरएस का जेएस से हो गया, और अगर हम एनवीएस का जेएस से बोले, दोनों ऑलमोस्ट आपका सेम है। आपका लैब अटेंडेंट हो गया, दोनों का दोनों लैब अटेंडेंट, इसका लैब अटेंडेंट और इसका लैब अटेंडेंट, दोनों के सिलेबस आपके सेम है। तो आप एक साथ ईएमआरएस और एनवीएस की तैयारी कर सकते हैं। परीक्षा प्लस एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करिए, परीक्षा प्लस एप्लीकेशन इंस्टॉल करिए। यहां पर आपको दोनों बैचेस आपके हैं, कोई भी बैच आप एक इनरोल कर लेते हैं तो आपकी तैयारी हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप ईएमआरएस पढ़ रहे हो तो एनवीएस नहीं हो पाएगा, पढ़ना वही है, सिलेबस आपका सब कुछ वही रहता है। तो अगर आप एनबीएस पढ़ रहे हो, कोई एक बैच लिए हो तो ऑलरेडी हो जाए, अगर एक बैच लिए हो दूसरा लेने की जरूरत नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो आप परीक्षा प्लस ऐप से जो अभी तक नहीं लिए वो जाके इस बैच को परचेज कर सकते हैं। बाकी एक एक करके मैं सभी पोस्ट का डिटेल अलग से बना दूंगा, क्या टाइपिंग स्पीड चाहिए, किस पे आपको टाइपिंग करनी है, क्या क्या पढ़ना है बेसिकली, क्योंकि ये सिलेबस नवोदय विद्यालय डिटेल में सिलेबस नहीं देता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, डिटेलिंग इसकी सिलेबस की नहीं होती है ईएमआरएस की तरह। तो मैं ऑलमोस्ट पिछले पेपर के अकॉर्डिंग पर आपको इसके डिटेलिंग सिलेबस भी बता दूंगा। तो एक एक करके सभी वीडियो को मैं आपके जरूर पूरा डिटेल में बता दूंगा, हर एक पोस्ट के बारे में बता दूंगा। बाकी जितने भी बच्चे इच्छुक हैं कमेंट में जरूर बताइए, अगर आपको कोई समस्या है तभी भी कमेंट में बताइए, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी समस्याओं का समाधान हो। चलिए इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूँ, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जबरदस्त रहिए।